हाय गाइस नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनसेक्रेटेड पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपको क्या करना चाहिए कि वक्त आपको साथ दे, समय आपको साथ दे। ओके तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये ग्रीन, ओके सेकेंड है ये पिंक येलो, ओके और थर्ड है ये ऑरेंज। ओके तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। गाइस जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ, गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंटेंशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जनरल के लिए है, तो सभी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपको क्या करना चाहिए कि वक्त आपको साथ दे। ओके तो इसके लिए मैं पहले ये कार्ड ही लूँगी गाइस, जिससे आपके कर्मा पता चले तो इससे आसानी होगी कि आपको क्या करना चाहिए कि वक्त आपको साथ दे। ओके तो ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। सेफ शिफ्टर, ओके तो ट्रांसफॉर्म एंड इनवेल योर गिफ्ट्स, ओके यूनिवर्स, ये कार्ड में लूँगी गाइस। सी वुल्फ, अनलीज द वाइल्ड विद इन, ओके ओके। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, ओके। सीर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, ओके। जस्ट वन मिनट का इसमें कार्ड ठीक कर लूँ। यूनिवर्स डिवाइन, ओके। सील्ड मैडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, ओके। वाटर गार्डन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस, ओके। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस, डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम, ओके। ओके चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल में जिस किसी ने भी चूज़ किए आपको क्या करना चाहिए कि वक्त आपको साथ दे। स्ट्रेंथ, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल, ओके। और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस, द चैरियट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, एट ऑफ वॉन्ड, ओके। तो गाइस आपको क्या करना चाहिए कि वक्त आपको साथ दे। ओके तो इसके लिए आपके कर्मा के कार्ड आए हैं, इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि अभी तक आप अपनी लाइफ में सिचुएशन के साथ लड़ रहे हो, ओके। और आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगा, ओके। लेकिन हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है ट्रांसफॉर्म, ओके। तो ट्रांसफॉर्म का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आपको आपके अंदर जो ये यूनिक क्वालिटी है, ओके, इसको बाहर लाने की ज़रूरत है, ओके। और अभी आप अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, वो भरोसा आप अपने ऊपर जब करने लग जाओगे तब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे, ओके। तो अभी आपको क्या करना है जिससे आपको वक्त साथ दे, तो इसके लिए आपको खुद को ऊपर पहले ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा।
और खुद के ऊपर ट्रस्ट करना, यानी कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना जो आपका पूरी तरह से टूट चुका है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने अंदर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस कैसे लाऊंगी या कैसे लाऊंगा। ओके, तो ये आप अपनी तरफ से अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीज़न लेते जाएंगे, सिचुएशन से लड़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आपको धीरे धीरे अपनी सिचुएशन, जैसी भी आपको अपनी सिचुएशन मिलती है, उस सिचुएशन का सामना करते हुए टूटना नहीं है। चाहे आपके सामने कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपको टूटना नहीं है। ओके, आपको दुखी नहीं होना है, आपको इस सिचुएशन से कुछ ना कुछ लेसन लेते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आप एक सिचुएशन से सिर्फ एक पॉइंट भी सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी आएगी। ओके, तो अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा महसूस कर रहे हो, तो इससे आपको बाहर निकलने के लिए खुद के ऊपर का अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपना विश्वास, अपने खुद के ऊपर विश्वास यानी आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ आपको कहा जा रहा है गाइस कि सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, तो ये कार्ड ये बता रहे गाइस कि अभी आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, तो इस सिचुएशन से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी मिल ही जाएंगे। आपको सारी आप पूरी सिचुएशन में सारे ही सिचुएशन नेगेटिव अभी लग रही है, लेकिन आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें से भी आपको पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। तो आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को आपको ध्यान से देखने की कोशिश करनी है और इसको पॉजिटिव वे में लेना है, तब भी आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और जब आप पॉजिटिव तरीके से अपने अंदर वो सीखोगे, वो नॉलेज गेन करोगे, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की ज़्यादा चांसेस है। ओके, और यहाँ आपको बताया जा रहा है गाइस कि आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है और अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना है। ओके, आप बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाते हो, इस वजह से आप दुख की गता में चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने की वजह से टूट भी जाते हो, जो मैंने आपको बताया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये दोनों कार्डों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि आपको ज़्यादा इमोशनल ना होते हुए थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा कि ये सिचुएशन मेरे सामने क्यों आई है, कुछ ना कुछ तो इससे कुछ मुझे सीखना ही होगा, तभी ये सिचुएशन मेरे सामने आई है, वरना ये सिचुएशन मेरे सामने कभी नहीं आती। इस तरह से आपको लेना है। ओके, मेक प्लान एंड फोकस का कार्ड यही बता रहा है गाइस कि आपको सारी अभी जो आपके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, इसके लिए आपको प्लान बनाने पड़ेंगे, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप उसके लिए प्लान और फोकस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इनसे सीखना भी मिलेगा और आप पॉजिटिव वे में उस सिचुएशन को लेने की कोशिश भी करेंगे। ओके, और लेट गो टू द नीड टू बी राइट, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन पास्ट में आ चुकी है, इसको आपको लेट गो करना है, साथ लेकर नहीं चलना है कि मेरे साथ ये हो चुका है, वो हो चुका है। वो सिर्फ आपके एक लेसन थे, उस लेसन से आपने कुछ सीखा है और अब वो साइकिल चली गई है, तो इसको आपको लेट गो करना है। ओके, और यहाँ हमारे पास लास्ट कार्ड है चूज़ योर पाथ, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका वक्त आपको साथ दे। तो यहाँ भी आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना डायरेक्शन किस दिशा में ले जाना है, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाना है या पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। ओके, चूज़ योर राइट पाथ, यानी कि पॉजिटिव पाथ आपको खुद ही चूज़ करना है, वरना आप ये जो आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसको नेगेटिव वे में लोगे तो नेगेटिव ही सब कुछ दिखाई देगा। ओके, हमें लाइफ में
नेगेटिव सॉरी हमें लाइफ में ये सिचुएशन का सामना करना ही है और इससे भागने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर आप इसको पॉजिटिव वे में ही लो तो ही आपके लिए अच्छा है। ओके, नेगेटिव वे में लोगे तो आपको ही दुख होगा, आपको ही तकलीफ़ होगी और कोई हमारा दुख दूर करने आने वाला नहीं है। तो मैं आपको यहाँ यही कहूँगी, आपको अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेना है। ओके, और आपको अपनी हिम्मत दिखानी है, स्ट्रांगनेस दिखानी है। ओके, और नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता रहा है गाइस कि आपके अंदर एक जज्बा है अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, वो आपको जज्बा अपने अंदर रखना है। ओके, ये जो आप टूट चुके हैं तो ये आप अपना जज्बा भूल चुके हो, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, और टू ऑफ सॉर्ड और टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि आप बहुत यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, आप देख सकते हो गाइस, यहाँ भी पीछे पानी है, यहाँ भी पीछे पानी है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ये आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आई है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने की वजह से आप टूट जाते हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, तभी आपको वक्त साथ दे रहा है ऐसा आपको लगेगा। ओके, वरना आप ज़्यादा इमोशनल होकर ज़्यादा सोचने लग जाओगे तो आपको लगेगा कि मेरी सिचुएशन नेगेटिव ही चल रही है, तो आपको लगेगा कि वक्त मुझे साथ नहीं दे रहा है। वक्त तो सिर्फ आपकी सिचुएशन से कुछ ना कुछ लेसन आपको लेने के लिए बोल रहा है, आपको सिर्फ लेसन लेने हैं, नॉलेज गेन करना है और लेट गो करना है। ओके, सिचुएशन सहनी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं समझती हूँ गाइस, लेकिन आपको सिचुएशन का सामना करना ही है, तो नेगेटिव तरीके से क्यों ले, पॉजिटिव तरीके से ही सामना कीजिए। ओके, आगे बढ़ना ही है तो क्यों ना हम पॉजिटिव तरीके से ही आगे बढ़े। चैरियट का कार्ड भी यही बता रहा है गाइस कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन को कभी कभी नहीं समझ पाते हो, तो वो समझने की आपके अंदर क्षमता जो अभी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने की वजह से आप नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन को नहीं समझ पाते हो और इस सिचुएशन से सीखने की कोशिश नहीं करते हो, नॉलेज गेन करने की कोशिश नहीं करते हो और बस इमोशनली सोचते रहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में ही क्यों ऐसी सिचुएशन आती रहती है। इस तरह से इमोशनली सोचने बैठ जाओगे तो नेगेटिव ही फील करोगे, इससे तो अच्छा है कि पॉजिटिव तरीके से इस सिचुएशन को लेसन लेने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये सिचुएशन पॉजिटिव ही लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ओके, और आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये सिर्फ आपका एक इल्यूज़न है, आपका एक भ्रम है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हो, इतनी आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, वो क्षमता आपको खुद बाहर लाने की कोशिश करनी है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया ट्रांसफॉर्म एंड इनवील योर गिफ्ट। योर गिफ्ट मतलब आपके अंदर जो इतनी सारी क्षमता यूनिवर्स ने आपको दी है, गिफ्ट दी है, उसको जगाने की कोशिश करनी है, बाहर लाने की कोशिश करनी है, तो आपके लिए बुरा वक्त क्या है और अच्छा वक्त क्या है ये आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हमारा सवाल ये है गाइस कि आपको क्या करना चाहिए कि वक्त आपको साथ दे। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया है कि हमें सिचुएशन का सामना करना ही है, तो क्यों ना पॉजिटिव तरीके से ही करें। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपको क्या करना चाहिए कि वक्त आपको साथ दे। ओके, तो ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपके कर्मा से ही हमें पता चलेगा कि आप किस सिचुएशन में हो और आपको वक्त
साथ दे रहा है और आपको किस तरह से वक्त का सामना करना है, ओके, जिससे आपको लगे कि आपको वक्त साथ दे रहा है, ओके। पालतू जिस किसी ने भी चूज़ किया है डिवाइन, बताइए कि उनको क्या करना चाहिए कि वक्त उनको साथ दे। यूनिवर्स डिवाइन सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ओके। हंटर ट्रैक डाउन योर फियर एंड डिजायर। लॉर्ड टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी, ओके। स्काई फादर ट्रस्ट इन द अनोन, ओके। अर्थ मदर फील लव्ड एंड कंफर्ट, ओके। पीस कीपर लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ओके। सेवन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, ओके। ड्रुइड होल्ड द स्पेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हार्ट गार्डियन लव्ड एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, ओके। यहाँ से देखते हैं गाइस फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है डिवाइन यूनिवर्स, बताइए उनको क्या करना चाहिए कि वक्त उनको साथ दे। नाइन ऑफ वन, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स थ्री ऑफ वन, ओके। टेन ऑफ कप और द डेविल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस फाइव ऑफ पेंटिकल, ओके। को आपकी लाइफ में गाइस फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, राइट गाइस? तो इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगी, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन के साथ लड़ रहे हो। लेकिन ये जो आप लड़ रहे हो गाइस, वो आप नेगेटिव तरीके से लड़ रहे हो, ओके। नेगेटिव मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप गलत वे में चल रहे हो, बस मैं यही कहूँगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ द डेविल का कार्ड आया है जो ये बता रहेगा इसकी आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है, इसके साथ लड़ने के लिए आप गलत रास्ता आपने चुना है, ओके। और गलत रास्ते के ऊपर आप जा रहे हो, तो ये कर्मा के कार्ड है गाइस। तो मैं आपको यहाँ यही कहूँगी गाइस कि आप ये जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ये मैं समझ सकती हूँ गाइस। लेकिन इसके लिए मैं आपको यहाँ यही कहूँगी गाइस कि आपको थोड़ा अपने अंदर जो एक डर है उसको निकालने की कोशिश करनी है। और यही आपकी लाइफ में जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, ओके। और आपको नहीं दिखाई दे रहा है गाइस कि ये सिर्फ आपकी लाइफ में एक सिचुएशन है और ये सिचुएशन वक्त के साथ बदल जाएगी। लेकिन आप ये सब कुछ नहीं सोचते हुए आप गलत वे में चलकर अपने नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि गाइस आपको अपने सिचुएशन से लड़ने के लिए आपको सिर्फ लेसन मिल रहा है गाइस कि फाइनेंस की आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम चल रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ये आपकी एक सिचुएशन जो चल रही है गाइस, इससे आपको पॉजिटिव तरीके से लड़ना है, ना कि नेगेटिव तरीके से, ओके। और
ये जो आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई है वो आपके अंदर के डर को दूर करने के लिए आई है, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है और आप फाइनेंशियली किसी भी डिसीज़न लेने में सक्षम नहीं हो, एक आपको आप रिस्क टेकर नहीं हो, आपके अंदर एक कॉन्शियस नहीं है डिसीज़न लेने में, आप कॉन्शियस नहीं हो, इस वजह से आपकी लाइफ में ये लेसन आया है, ये सिचुएशन अभी चल रही है गाइस। तो इस सिचुएशन से आपको पॉजिटिव तरीके से लेना है और इससे आपको सीखना है, ओके। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है गाइस कि आप, हमारा सवाल भी यही है गाइस कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको वक्त साथ दे। तो आप जो अभी ये गलत वे में चल रहे हो इससे बाहर निकल आओ, क्योंकि ये कर्मा जो आप क्रिएट कर रहे हो वो आगे जाकर आपको ही प्रॉब्लम होगी, ओके। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी, जो ये सिचुएशन चल रही है इससे आप सीख लो, नॉलेज गेन कर लो, ओके। तो ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये आपके अंदर जो एक फियर है, एक डर है, डिसीज़न आप तुरंत नहीं ले सकते हो, आपके अंदर एक किसी भी डिसीज़न लेने के पावर, एक ताकत नहीं है, इस वजह से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है और वो आपको सिर्फ सिखाना चाहती है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने चार्ज खुद संभाल सकती हो, अपनी ऑथोरिटी खुद संभाल सकती हो, टेक चार्ज खुद ले सकती हो अपना, ओके। तो यहाँ ये सिचुएशन आपको कह रही है गाइस कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपके अंदर इतनी अच्छी पावरफुल एनर्जी है और इस पावरफुल एनर्जी का आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रही है गाइस कि आपको, और ये सिचुएशन आपको कह रही है गाइस कि इस सिचुएशन के साथ आप हिम्मत से आगे बढ़ोगे तो ये जो आपके अंदर डर है वो आपका दूर हो जाएगा, ओके। और ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है, आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं रहा है, ये कार्ड बता रहे गाइस, ट्रस्ट इन द अननोन स्काई फादर। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये सिचुएशन से आप पॉजिटिव तरीके से लोगे और इस सिचुएशन से आप कुछ सीखना आप सीखोगे तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, ओके। और ये जो आपके अंदर फियर है वो भी बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन आप इस सिचुएशन से नेगेटिव पॉइंट तरीके से लड़ रहे हो, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, ओके। आपको इस सिचुएशन से पॉजिटिव वे में लेकर ही लड़ना है, तभी आपको अपने ऊपर विश्वास आएगा, ये डर जाने के बाद आपको पता चल जाएगा गाइस कि आप कितने पावरफुल हो, ओके। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता चला जाएगा, ओके। और यहाँ ये कार्ड बता रहे गाइस कि आपको खुद को प्यार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूँ गाइस कि किसी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में तभी आती है कि हमारे अंदर कुछ कमी होती है, उस कमी को निकाल कर हमें और ज़्यादा मैच्योर बनाने के लिए और ज़्यादा नॉलेजफुल बनाने के लिए ही आती है, ओके। तो आपको इस सिचुएशन को पॉजिटिव वे में ही लेना है और इससे कुछ ना कुछ सीखना ही है। और आप अभी अपने आप को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, आपका सेल्फ लव अपने लिए कुछ भी नहीं है, आप दूसरों के लिए ही सोचते रहते हो पूरे दिन। आप यहाँ देख सकते हो गाइस, 9 ऑफ वांड, 10 ऑफ कप, आप दूसरों को लेकर दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों के बारे में ही सोचते हो, दूसरों की फिक्र करते हो, दूसरों के लिए सब कुछ करना चाहते हो। अब ये दूसरे दूसरे दूसरों के लिए आप अपना सेल्फ लव भूल चुके हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो गया है इस वजह से, आज दूसरे लोगों के वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से लो हो चुका है। आप दूसरे लोगों को तब खुश कर पाओगे जब आप खुद कॉन्फिडेंस होंगे, खुद आप स्ट्रांग होंगे, खुद आपकी एक
एनर्जेटिक पावरफुल पर्सनालिटी होगी, तभी आप दूसरों को खुश कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। आप दूसरों को खुश करने के लिए आपने अभी नेगेटिव रास्ता चुना है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कर्मा मिलेंगे वो आपको मिलेंगे, ये जो आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हो उनको नहीं मिलेंगे। तो ये आप दूसरों के लिए जो कुछ भी नेगेटिव वे में चल रहे हो इससे बाहर आ जाइए। ओके, मैं यही कहूँगी। और फाइनेंस को लेकर आपको पॉजिटिव तरीके से लेना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई है, इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ, इसके लिए आपको माइंड लगाना पड़ेगा। और हमारा माइंड कंप्यूटर से भी तेज है गाइस, आप अपने माइंड का यूज़ जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। ओके, आपको शांति से एक जगह पर बैठना है और जहां आसपास कोई ना हो, और शांति से सोचना है कि मैं इस सिचुएशन को किस तरह से पॉजिटिव वे में लेकर इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूं। और आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतना टैलेंट है गाइस, कि आप तुरंत इस जो ये सिचुएशन आई है इससे तुरंत बाहर आ जाओगे। आप अपना माइंड यूज़ करोगे, लेकिन आप माइंड का यूज़ ना करते हुए आप अपनी एक फिज़िकल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपना माइंड का इस्तेमाल करना है, और माइंड का इस्तेमाल करते हुए आप पॉजिटिव तरीके से इस सिचुएशन से तुरंत बाहर आ जाओगे। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको सिर्फ अपना माइंड लगाना है। ओके, और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ओके, या फिर हम इस्तेमाल करना ही नहीं जानते हैं। तो आपको शांति से एक जगह पर बैठना है और सोचना है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। और तब भी आपको नहीं पता चले तो आप बुक पढ़िए, बुक में भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल सर्च कीजिए, गूगल में भी आपको मिल जाएगा कि मुझे अपना माइंड किस तरह से, किस सिचुएशन में, किस वे में लगाना है, किस तरह से जाना है, किस रास्ते पर जाना है। वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आंसर करेंगे, आपका माइंड बहुत ही अच्छी तरह से आंसर करेगा। ओके, और यहाँ ये कार्ड बता रहे गाइस कि अभी तक आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आई उसे भूल जाओ, उसे एक लेसन की तरह लो, नॉलेज गेन करो और लेट गो कर दो। ओके, और आपके अंदर आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है इसको आप ग्रेसफुल तरीके से लो, हर एक मोमेंट को समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, तो आपको रास्ता मिलता ही चले जाएगा। लेकिन दूसरों के लिए आप नेगेटिव फ्लो में चल रहे हो, बहुत सारे लोगों को हर्ट कर रहे हो, गलतियां करते ही जा रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आगे जाकर ये आप अपने ही कर्मा खड़े कर रहे हो, और वो भी दूसरों के लिए। ओके, दूसरे चाहे आपके अपने भी हो, लेकिन ये जो आप कर्मा कर रहे हो नेगेटिव कर्मा, वो आपको ही मिलने वाले हैं, आपके अपने लोगों को नहीं मिलने वाले हैं, मैं यही कहूँगी। और आपको यहाँ हमारे पास लास्ट कार्ड आया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है गाइस, होल्ड द स्पेस। आपको कहा जा रहा है गाइस कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा स्पेस लीजिए। ओके, अपने आप को थोड़ा स्पेस दीजिए, इस सिचुएशन को शांति से समझने की कोशिश कीजिए, तो आप इस सिचुएशन से तुरंत बाहर आ जाओगे। ओके, होल्ड स्पेस आप देख सकते हो। ओके, तो इस सिचुएशन को आपको शांति से समझने की ज़रूरत है, तो आप ये आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल सिचुएशन आई है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जो सिचुएशन आई है, इससे आप बाहर निकल आ जाओगे। ओके, और वो भी पॉजिटिव तरीके से, आसानी से बाहर निकल आओगे। ओके, और आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गाइस। ओके, मतलब आप गॉड में के ऊपर बिलीव करते हो, लेकिन गॉड अभी आपको साथ नहीं दे रहा है ऐसा आपको लगता है, इस वजह से आप यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स तो आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, और इस सिचुएशन आपको यूनिवर्स ने इसलिए दी है क्योंकि इस सिचुएशन से आप लेसन ले सको और
लेसन लेते हुए आप नॉलेज गेन करते हुए आगे बढ़ पाओ, और आपके अंदर जो अभी ये डर है वो इस सिचुएशन की वजह से है गाइस। तो इस सिचुएशन से आप लेसन ले लोगे तो ये डर आपका निकल जाएगा। तो यूनिवर्स तो आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रही है कि आपका डर दूर करना चाहती है, इस वजह से ये सिचुएशन आपको दी गई है। ओके, अब मैंने आपको बताया कि अभी आप नेगेटिव फ्लो में चल रहे हो, इससे बाहर आ जाओ और ये सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचिए। अपने आप को थोड़ा ब्रेक दीजिए, स्पेस दीजिए, तो इससे बाहर निकल आओगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल थे चूज़ किए, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ गाइस, सेकंड वीडियो पार्ट टू, क्योंकि ये वीडियो आपको पता है कि बहुत ही लॉन्ग हो चुका है। तो पायल थ्री के लिए आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं पार्ट टू। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।